अच्छा अब एक चीज रह गई थी, बताओ मुझे कैश डिविडेंड याद है ना कि कहाँ लिखते थे? यस सर। कहाँ लिखते थे? फाइनेंसिंग एक्टिविटी में कैश डिविडेंड को माइनस कर, ठीक है, लेकिन स्टॉक डिविडेंड कहाँ लिखते हैं? फाइनेंसिंग एक्टिविटी में लेकिन प्लस करेंगे। कैश स्टॉक डिविडेंड खुद कहीं नहीं लिखा जाएगा, फॉर्मूला उसका भी अभी जो लिख रहे थे ये वही क्लास की कंटिन्यूटी है पिछले क्लास की, पिछला बहुत छोड़ा था उसमें एक आइटम आप लिख लीजिए अपने पास, क्या इश्यूएंस ऑफ शेयर कैपिटल इक्वल टू, देखिए इश्यूएंस ऑफ शेयर कैपिटल इक्वल टू डिफरेंस इन शेयर कैपिटल अकाउंट, डिफरेंस इन शेयर कैपिटल अकाउंट माइनस स्टॉक डिविडेंड, माइनस स्टॉक डिविडेंड। मैं रिपीट कर देता हूं, वहां इश्यूएंस ऑफ शेयर कैपिटल जो आप फाइनेंसिंग में लिखते थे कैसे लिखते थे? शेयर कैपिटल के बिगनिंग से शेयर कैपिटल का एंडिंग माइनस करते थे, डिफरेंस दे देते थे, और जो डिफरेंस होता था वो ले जाके फाइनेंसिंग एक्टिविटी में लिख देते थे। मतलब इस सवाल में जो बोर्ड पे इस वक्त आ रहा है, शेयर कैपिटल 2-10 से कितना हो रहा है? 90,000। तो 90,000 आप ले जाते, लेकिन अगर क्वेश्चन में कैश डिविडेंड के साथ यहां पर स्टॉक डिविडेंड भी होता तो क्या करते कि जितनी स्टॉक डिविडेंड की वैल्यू बताई जाती वो वैल्यू इसके डिफरेंस से माइनस हो जाता और फिर वैल्यू घट जाता। थोड़ी देर के लिए हम फर्ज कर लें कि ये 75,000 कैश कहीं स्टॉक डिविडेंड है, तो हम 90,000 में से 75,000 को माइनस करके इश्यूएंस ऑफ शेयर कैपिटल के नाम से सिर्फ कितना ले जाएंगे? 15,000। क्यों? सवाल आता है ना क्यों, तो जवाब ये है कि असल में स्टॉक डिविडेंड होता क्या है? स्टॉक डिविडेंड का दूसरा नाम है बोनस शेयर। बोनस शेयर्स, बोनस का लफ्ज जो है ना एक आम मानव में समझ को इस्तेमाल होता है मुफ्ता। तो बोनस शेयर का मतलब क्या है? मुफ्ते में शेयर बांटना। तो सोचो एक कंपनी का शेयर कैपिटल का अकाउंट 90,000 से बढ़ गया, लेकिन क्यों बढ़ा? क्योंकि उसने अपने शेयर होल्डर में मुफ्ते में शेयर बांट दिए एज अ डिविडेंड। तो क्या कैश मिला? तो कैश उसको नहीं मिला। जब कैश नहीं मिला तो जितना भी डिफरेंस है उसमें से वो स्टॉक डिविडेंड क्या हो जाएगा? माइनस। लेकिन ये जो जहां लिखा है इसको लिख के अच्छे से रखिएगा और इसके आगे जगह रखिएगा। इस ये पहली कड़ी की जो डिफरेंस उसमें एक कड़ी हमने ली है, इसके बाद दो कड़ियां और हैं, उसके बाद ये पूरी एक लड़ी बन जाएगी जो आपके सेहत में बांध देंगे। अब आइए आज के क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है? नजर आ रहा सर? वो तो पूरा बोर्ड आ रहा है। यस मिडिल वैल्यू सर, बहुत कम हो गई, बहुत स्लो। मैं चाह रहा हूँ कि ऐसा हो जाए कि नजर भी आ जाए। सर फॉन्ट्स बड़े कर दो, फॉन्ट बड़े कर दो। इसको मैं थोड़ा सा इधर कर देता हूँ ताकि ये छुप भी जाएगा तो ये आपको समझ में तो आ जाए। सर ई और जी को मिटा देना। सेकंड लीजिए बस एक सेकंड भाई, अपना मशवरा के पास है, बहुत बड़ा हो गया। चलिए अब तक तेजी के साथ देखिए यार, क्योंकि आई एम रियली टायर्ड नाउ। अब सबसे पहले ये तीन सवाल एक ही चीज से है, 4, 5, 6। जरा हेडिंग चेक कीजिए क्या लिखा होगा। तो इसका मतलब है मेरा अगला वाला एक सवाल किसका होगा? लॉस का। और उससे वाला क्या होगा? नॉन लॉस। तो बजाय इसके करने के, चूंकि अभी मैंने मिसाल किसकी दी है, लॉस की, तो ऐसा करते हैं कि मैं लॉस वाले पे ले जाता हूँ ताकि आपको लॉस से समझ में आए पहले, फिर मैं आपको ले जाता हूँ। ये कौन सा है? ठीक है, ताकि यार वो लॉस वाली बात आप पहले समझ लें, उसके बाद फिर आप करें। मैं उसको लॉस में पहले ले जा रहा हूँ, लॉस का क्वेश्चन आपसे पहले समझ सर। ये है लॉस, लेकिन आपने लिखा गेन है।
आप निश ऊपर ऊपर टॉप पर मेन पोजीशन पर हाँ अब हो गया वो चेंज कर दिया आपने सिक्स पे लेगा फिफ्थ से सिक्स पे लेगा की बातें इससे करवा अगर कोई गलती होगी भाई मैं सही कर दूंगा ट्रिप से बैठकर अब ये क्वेश्चन देखिए ये क्वेश्चन शुरू हुआ सबसे पहले नेट इनकम फॉर द ईयर 27,000 निकाल के दिया हुआ है नहीं निकाल के देगा आप रिटेन अर्निंग में वैल्यूज फिट करेंगे और नेट इनकम निकाल एग्री कैश डिविडेंड डिक्लेयर एंड पेड दिया हुआ है लेकिन असल चीज ये बात है क्या मशीन सोल्ड ड्यूरिंग द जो इन पीरियड लिखा होगा अभी वो कट गया है जो इन पीरियड कॉस्ट उसकी कितनी है 15,000 इसका एक्यूमुलेटेड एक्शन कितना है 9,000 सेलिंग प्राइस कितनी है तो अब जैसे ही ये तीन चीजें आ गई तो आपको समझ में आ गई अच्छा इस सवाल में सेल है मशीन की पहली फुर्सत में जाइए और ये कंपटीशन कंप्लीट कीजिए कॉस्ट 15,000 एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 9,000 बुक वैल्यू 6,000 सेलिंग प्राइस 5,000 बोलिए कितने का लॉस हो रहा है 1,000 का लॉस हो रहा है एनी प्रॉब्लम अब यहां पर भाई कान खोल के सुन लीजिए अच्छी तरह समझ लीजिए कि जरूरी नहीं है कि ये तीन इसी का है हो सकता है यहां बुक वैल्यू दे देता हो सकता है यहां सेलिंग प्राइस दे लॉस दे देता कुछ भी देगा भाई आपने ये कंप्लीट करना है रिवर्स इससे बार बार मुझसे मत बुलवाइए समझ में आना चाहिए ठीक फॉरवर्डिंग ऑफ किस को क्या चीज सेल हुई है मशीन एक मशीन का टी अकाउंट और एक अलाउंसेस पर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का मशीन की ओपनिंग वैल्यू 90 नहीं ओपनिंग वैल्यू 60 एंडिंग 90 ओपनिंग 60 एंडिंग 90 क्लियर कितने की मशीन कॉस्ट में सोल्ड हुई थी 15,000 कोई एंट्री नहीं बनाई जरूरत भी नहीं कॉस्ट क्रेडिट कर दी कितने से 15,000 और 90 105,000 ये 60,000 माइनस कितना आ गया 45 क्या है जो मशीन ड्यूरिंग द ईयर क्या हुई है परचेज हुई है शॉर्ट तरीका क्या सिखाया था अगर टी अकाउंट ना बनाए तो मशीन का डिफरेंस 60 और 90 का डिफरेंस 30 15 प्लस 30 और 15 45 वही 45 है इसमें अभी सिंपल सी बात है कोई बहुत बड़ी बात नहीं है ठीक है लेकिन अब डेप्रिसिएशन नॉन फंड आइटम डेप्रिसिएशन अलाउंसेस फॉर डेप्रिसिएशन या एक्यूमुलेटेड एप्शन बिगनिंग 18 24 कितना रिटर्न ऑफ हुआ 9 से डेबिट 9 और 24 33 इधर भी 33 33 माइनस 18 कितना आ गया 15 तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस 15 शॉर्ट तरीका एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का डिफरेंस 18 और 24 का फर्क 6 कितना एक्यूमुलेटेड है 9 6 और 9 15 सारा आ गया अब ये तीन कंपटीशन के साथ ही कैश फ्लो शुरू यानी ये बनाने से पहले आपने ये काम कंप्लीट कर लेना ताकि कंटिन्यूटी आपकी खराब हो सबसे पहला आइटम कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग नेट प्रॉफिट कितना 27,000 दिया हुआ भी था नहीं दिया हुआ क्या कर रहा है भाई किसकी तो बिल लेना सवाल की ले लो तो बिल सीधे आगे इस तरह से नेट प्रॉफिट 27,000 उसके बाद नॉन कैश आइटम डेप्रिसिएशन 15,000 ठीक है वही तरीका है सिर्फ आपने निकाल चुके थे फिर नॉन कैश आइटम अमोर्टाइजेशन देखते हैं क्या क्रेडिट है 7,500 ठीक है और बम्बात बात बताई थी ना यस सर अरे प्लस लॉस ऑन सेल ऑफ कितने से ठीक हो गई बात उसके बाद मुझे रिपीट करने की जरूरत नहीं है ये वही पुरानी बातें हैं उसके बाद परचेज ऑफ लैंड यहाँ पे लैंड के अंदर भी हम देख रहे हैं इंक्रीज है लेकिन लैंड में कोई सेल नहीं थी तो पुरानी वाली बात 0 से 20,000 बढ़ा तो लैंड कितना परचेज ऑफ लैंड सिर्फ 20,000 ठीक है परचेज ऑफ मशीन 45,000 कहां से पता चला आप टी अकाउंट बनाने निकाल चुके हैं परचेज की फिर सेल ऑफ मशीन 5,000 कहां से आ गया सेलिंग प्राइस 5,000
या रहे सेल पॉजिटिव होगा दोनों परचेज क्या होंगे, तो इस दर इससे पहले एक ही बार इससे पहले सिर्फ एक दफा होता था एक चीज परचेज या सेल, एक ही दफा मशीन दोनों हो रही है, मशीन परचेज भी है मशीन क्लियर। उसके बाद अब इसमें कोई ऐसी चीज नहीं है, इश्यूएंस ऑफ शेयर कैपिटल वैसे ही, पेमेंट ऑफ बॉन्ड पेमेंट, रिक्वायरेशन ऑफ बैंक लोन जो मैंने आपको पीछे सिखाया है, पेमेंट ऑफ कैश, इसमें स्टॉक डिविडेंड नहीं है इसलिए कोई ऐसी चीज नहीं है। बाकी आप देख सकते हैं इनका डिफरेंस कितना आया, 18,000 150 और 168 का डिफरेंस कितना हो गया, तो सबसे मेन चीज चार आइटम आपने तीन ये निकले, कौन सी चीज निकली आपकी, यहाँ पे आपने बुक वैल्यू और ये गेन और लॉस कम्प्लीट किया, इसमें क्या कंप्लीट किया परचेजेस, दूसरी चीज, तीसरी चीज कौन सी नेचुरल एक्सपेंस, और चौथी चीज ठीक है लॉस को क्या करना है। तो अब अगर मैं ये चौथा सवाल था, अगर मैं पांचवा छठा सवाल था, अगर पांचवें सवाल को गौर से देखिए तो इसमें क्या हो रहा है, नजर आ रहा है अब गेन कैसे आया होगा थोड़ा समझे, इसको भी कोशिश करना पड़ेगा। देखिए मैंने चीज वही रखी है, 15,000 की कॉस्टिंग, 9,000 एक्यूमुलेटेड था कितना आया 6,000, मैंने सिर्फ एक चीज चेंज कर दी सेलिंग प्राइस कर दी, तो 5-6,000 की चीज 8,000 में गई कितना आया, बाकी सब चीजें वही रही, कौन सी सब चीजें परचेज वही रही, डेप्रिसिएशन वही रहा ठीक है, लेकिन सिर्फ बड़ी क्या चीज दे गई उस वक्त लॉस था, लॉस को क्या किया लॉ गेन को क्या किया, क्योंकि ऑलरेडी इसमें गेन मौजूद था, इसका गेन खत्म करने के लिए यहाँ क्या कर दिया माइनस कर दिया, और यहाँ पे 8,000 आप सोचो मैं यहाँ समझा रहा हूँ वो चीज कितने की चीज थी जो बेची, 8,000 कितने की चीज थी 15 बेची, 15,000 क्योंकि तुम तो 15 में से 9,000 की वैल्यू उसकी खत्म कर चुके, तो तुम्हारी वैल्यू कितनी थी जो बिकी, 6,000 पैसा कितना है ज्यादा आया तो गेन शामिल है यहाँ पे, तो अगर यहाँ भी गेन शामिल होगा यहाँ भी गेन शामिल होगा तो क्या होगा डबलिंग हो जाएगी, इसलिए वहां का गेन खत्म करने के लिए 2,000 से क्या कर दिया, क्लियर हुई बात, नहीं समझ में आई मुर्दा साहब, नहीं आई यार 6,000 की बुक वैल्यू समझ में आ गई, तो असल में चीज कितने की बिकी, 6,000 की बिकी, पैसे कितने आए 8,000, तो उसमें 2,000 गेन है, तो जब यहाँ 8,000 लिख रहे हो तो गेन शामिल है या नहीं शामिल है, क्या है तो गेन जब शामिल है तो यहाँ पर गेन भी शामिल है, इस वाले में भी गेन शामिल है, तो डबल हो गया गेन, क्योंकि गेन 2,000 इनकम स्टेटमेंट में एड हो चुका है, तो 2,000 इनकम स्टेटमेंट में शामिल है, इसलिए अब इनकम स्टेटमेंट हम बना नहीं रहे इसका, लेकिन हमें मालूम है जब हम माजी में इनकम स्टेटमेंट बनाते थे तो जहां अदर इनकम लेते थे वहां ये वाला गेन भी प्लस होता, ठीक है आपने शायद नहीं बनाया होगा कोई ऐसा इनकम स्टेटमेंट जिसमें गेन ऐड हुआ करके दिखाया हो, लेकिन अंडरस्टूड है कि पार्ट वन में डेप्रिसिएशन के चैप्टर में गेन ऑन फिक्स एसेट हमेशा लिखते थे, लॉस ऑन फिक्स एसेट हमेशा निकालते थे, तो भाई गेन और लॉस लिखते ही क्यों थे, इसकी वजह क्या थी, इसकी वजह यही थी कि वो जाता होगा कहा, और इसी के साथ अब खत्म करते हुए बात, अगर ये लॉस और गेन ना हो तो क्या होगा, क्योंकि अक्सर ये सवाल आता है इस तरह से, इसमें देखिए 25,000 की चीज 15,000 कितना बचा 10 में सेल हो गया, नो लॉस नो गेन, तो क्या होगा, सिर्फ तीन चीजें आएंगी, परचेज कितना हुआ, सेलिंग प्राइस कितनी है और डेप्रिसिएशन कितना है, वो बम्बार्ड चीज चौथी नहीं है क्योंकि ना लॉस है ना, क्लियर, तीन सवाल आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 तस्वीर खेल दीजिए, लेकिन कोशिश कीजिएगा क्वेश्चन कॉपी कर लीजिए, 4 अलग है, 3 क्वेश्चन में एक बताए इसको कंप्लीट करें तो देख लेते हैं 3 में क्या था, मैं एक बार रिकॉल सर कल करवाया था आपने, थ्री दिया था कल करने के लिए, कल क्वेश्चन नंबर 3 दिया था, इसी में अभी ज़रा टाइम मिल जाए करता हूँ, जल्दी कर लो यार मेरे
क्वेश्चन नंबर 5 लगाइएगा। ऑफिस की कॉल ना आ रही हो गया। एक मिनट बंद तो करना।